और बात पड़ोसी पाकिस्तान की। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज बड़ी हलचल है। आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन कुर्सी खोना नहीं चाहते हैं। इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं, जबकि अपने ही सांसद विपक्ष के खेमे में चले गए हैं। आज पाकिस्तान के संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो जाएगी और अनुमान है कि 2-3 दिनों में जब वोटिंग होगी तो इमरान पीएम पद से विदा हो जाएंगे। यानी कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर साफ तौर पर यही लग रहा है कि इमरान केवल 2 या 3 दिन के मेहमान हैं। और अब आपको सीधा हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं। प्रणय हमें पूरी तरीके से समझाएंगे कि आखिर नंबर गेम क्या है, क्यों इमरान को कुछ दिनों का मेहमान कहा जा रहा है। प्रणय बिल्कुल आदर्श, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली नहीं बल्कि सियासत की वो पिच है, सत्ता की वो पिच है जहां पर इमरान खान अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नंबर गेम देखें इस सत्ता की पिच पे तो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं इमरान खान, क्योंकि उनके पास 155 अपने सांसद और सहयोगियों का समर्थन जो लगातार घट रहा है वो अब 161 पे आ गया है। यानी सत्ता की कार चलाने के लिए जो जादुई आंकड़े की चाबी है 172 की, वो अब इमरान खान खो चुके हैं, उनके पास नहीं है। और वो चाबी अब जा रही है विपक्ष के पास, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो विपक्ष का आंकड़ा है ये बढ़कर अब 178 हो चुका है, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 6 जो सांसद हैं वो ज्यादा हो चुके हैं विपक्ष के पास। तो ये जो तस्वीर है ये बताती है कि किस तरीके से इमरान खान अल्पमत में आ चुके हैं, उनकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और इस तस्वीर के साथ ही लगातार ये जो तस्वीर उभर रही है ये बता रही है कि किस तरीके से इमरान घिरे हुए हैं। इस पूरे मामले के ऊपर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जरा उसे भी देख लीजिए। दुनिया ये जानने को बेताब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान अब सत्ता में कितने दिनों के मेहमान हैं। लेकिन इमरान खान नंबर गेम में पिछड़ने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। कल पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा और आईएसआई प्रमुख के साथ इमरान खान ने मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि सेना ने भी इमरान की कुर्सी बचाने में मदद करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब इमरान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी मजबूती से ये दावा कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। फवाद चौधरी ने बाजवा और इमरान खान के बीच मुलाकात की पुष्टि तो की, लेकिन इस्तीफे पर बात होने को खारिज कर दिया। फवाद चौधरी के मुताबिक ना तो सेना प्रमुख ने उनका इस्तीफा मांगा है और न ही इमरान खान इस्तीफा देंगे। इमरान आखिरी गेंद तक मैच खेलेंगे, हार जीत वोटिंग से तय होगी। लेकिन इस्तीफे से बच रहे इमरान को आज अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस का सामना करना होगा। प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हो रही है। इसके बाद माना जा रहा है 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग भी हो सकती है। हालांकि विपक्ष इमरान की किस्मत का फैसला जल्दी करना चाहता है। विपक्ष ने आज ही वोटिंग कराने की मांग की है। विपक्ष के हौसले बुलंद है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इमरान के पास अविश्वास प्रस्ताव को हराने लायक संख्या नहीं है। 7 सांसदों वाली MQMP ने भी इमरान खान सरकार से नाता तोड़ लिया है। वोटिंग से पहले इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामेंट में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें। संसद में बहस से पहले ही पाकिस्तान की राजनीति गर्म है। बुधवार को इस्लामाबाद के सिंध हाउस में विपक्ष की बड़ी बैठक हुई जिसमें कुल 196 सांसद मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कि PTI के भी 22 विधायक मौजूद थे। ये भी खबर है कि सरकार में शामिल एक और पार्टी GDA भी इमरान के खिलाफ जा सकती है, जिसके 3 सदस्य हैं। कुल मिलाकर इमरान के लिए जोर तोर से सरकार बचाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि उन्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अब लोगों को इंतजार है कि वो इस्तीफा कब देते हैं या फिर वो संसद में वोटिंग का सामना करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी पाकिस्तान में क्या कुछ हालात हैं। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रणय भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान से हमारे सहयोगी हमजा अमीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, हमजा से तो हम जानकारी लेंगे लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इस पूरी तस्वीर को देखें और हमजा हम उसमें क्या कुछ ऐड कर पाएंगे वो भी देख लेते हैं एक बार।
बिल्कुल आदर्श, जो तस्वीर उभर कर आ रही है पाकिस्तान में वो लगातार बता रही है कि किस तरीके से इमरान खान अब सत्ता का बहुमत खो चुके हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बीते तीन दिनों का गणित अगर आप देखें तो हमें हमजा भी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो समर्थक थे, जो समर्थक पार्टियां थी इमरान खान की, वो लगातार अपोजिशन के पाले में जा रही हैं। मेरा सवाल हमजा आपसे है कि आप लगातार ये इनपुट्स भी दे रहे हैं एबीपी न्यूज के लिए, और जो तस्वीर उभर के आ रही है उसमें इमरान खान फिलहाल संसद में अल्पमत में नजर आ रहे हैं, यानी वो अपना बहुमत खो चुके हैं, उनके पास रिक्वायर्ड 172 का नंबर नहीं है। तो क्या आज की बहस शुरू होने से पहले इमरान खान इस्तीफा देंगे या वो 3 तारीख की वोटिंग तक जाएंगे और इस पूरे मामले को ड्रैग करेंगे? देखिए, इमरान खान नंबर्स में तो हार गए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इमरान खान के पास नंबर्स 172 क्या बहुत ही कम है, क्योंकि कल जब सिंध हाउस में अपोजिशन बेंचेस के सारे हमायती इकट्ठे हुए तो वहां पे 196 एमएनए मौजूद थे। अगर 196 वहां है तो इमरान खान के पास तो वाकई ही कुछ भी ना बचा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, कल रात से हो रही है, वो आपको याद है कल शाम में जब इमरान खान ने कहा था कि वो अपना रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो एड्रेस टू द नेशन करेंगे, उनको उसी वक्त ही जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI पीएम हाउस पहुंच गए थे और उनको उससे रोक भी दिया गया, उनको डिटेल्स लेटर्स की रिवील करने से भी जो है मना कर दिया गया। और रात से लेके अभी तक, आज तक, 3 कम अज कम मीटिंग्स, घंटों लंबी मीटिंग्स आर्मी चीफ की पीएम हाउस में इमरान खान से हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी का मामले को लेके उन्होंने लेटर का जिक्र किया कि उनको धमकी आई हुई है, एक खत आया हुआ है जिसमें कहा है कि इमरान खान अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से ना हटे तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे होंगे, उसको लेके अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसको ही लेके अब जो उनके सपोर्टर हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो कह रहे हैं कि अब जो है इमरान खान बाजी पलट देंगे, क्योंकि नंबर्स देखें तो नंबर्स नहीं है, लेकिन ये मामला इतना सीरियस हो चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है। उस लेटर में क्या है उसको लेके अब इन कैमरा सेशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। तो जहां हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस हो रही है, उस बहस का रिजल्ट क्या आना है वो हमारे नंबर्स में सामने आ गया है, लेकिन इस चीज का रिजल्ट क्या आना है वो अब देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान को सेफ एग्जिट, डिग्निफाइड एग्जिट दिया जाता है या जो है वो उनकी, यही बड़ा सवाल है हमजा, क्योंकि लगातार मौके ग्रेसफुल एग्जिट के मिले लेकिन जिस तरह से इमरान खान अड़े हुए हैं, इसीलिए सवाल सबके मन में है कि आखिर 3 तारीख या 4 तारीख तक क्या होता है, क्या पूरे मामले को वो खींचकर 3 या 4 तारीख तक ले जाएंगे या आज ही इस्तीफा देंगे। कल भी जिस तरह की खबरें आ रही थी अचानक कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, सब पर नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमजा आमिर हमारे सहयोगी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी जो अभी वहां पर हालात हैं सब कुछ बता रहे थे। लगातार पाकिस्तान से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के गेट पर पेंट फेंका था, बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा था। गिरफ्तार सभी लोग बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कल इस प्रदर्शन के बाद से लगातार आप और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बहुत गर्माया हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दौसा के एसपी को हटा दिया गया है जबकि लालसोट के एसएचओ अंकित चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपी राम मनोहर बैरवा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस मामले में। इस मामले को लेकर दौसा में भी तनाव है और लगातार इस मामले के ऊपर खबरें जो आ रही हैं ये इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और इस खबर के साथ ही आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या है दौसा का ये पूरा मामला। ये केस हो गया, ये अब ये लोग मुझे मार डालेंगे। बेटा कुछ नहीं होगा तेरे को, भैया जेल में जाना पड़ेगा हमको। इलाज के दौरान मौत की घटना ने एक डॉक्टर को धारा 302 में फंसा दिया और फिर डॉक्टर को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्चना के हत्यारों को ये मजबूर करने वाले जो लोग हैं उसी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हॉस्पिटल से लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कि जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने गलत धारा में केस दर्ज किया है उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उन्हें इस कृत्य के लिए उनको जो धाराएं उन पर लगती हैं एक कल्पेबल होमिसाइड की उनके खिलाफ FIR कराई जाए। डॉक्टर बिरादरी का कहना है कि किसी डॉक्टर के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज होना कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने दौसा जिला कलेक्टर के साथ कई घंटों तक बातचीत की। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा डॉक्टरों ने कलेक्टर से पीड़ित परिवार को मुआवजे और पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की। पुलिस के मुताबिक दौसा के आनंद हॉस्पिटल में सोमवार को एक गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ हॉस्पिटल के गेट पर प्रदर्शन किया था। गर्भवती के पति ने महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा और हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया था। तत्व हैं जो परेशान कर रहे थे इसको काफी दिनों से। बोले भैया ये ये केस हो गया, ये अब ये लोग मुझे मार डालेंगे। हम लोग बेटा कुछ नहीं होगा तेरे को। बोले भैया जेल भी जाना पड़ेगा हमको। बोले तेरे को कहीं नहीं जाना, कोई जेल नहीं जाना, हम लोग है ना। दबाव में आकर आत्महत्या करने से पहले डॉक्टर अर्चना ने सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए लिखा कि मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा मरना ही शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। मैं अपने पति और बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे मरने के बाद इन्हें परेशान नहीं करना। मैंने कोई गलती नहीं की और किसी को नहीं मारा। PPH एक जटिलता है, डॉक्टर को इतना प्रताड़ित करना बंद करो। डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस मत होने देना। सुसाइड नोट में ये सब लिखकर डॉक्टर अर्चना ने 29 तारीख यानी मंगलवार सुबह 11:30 बजे घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से पूरे राजस्थान के डॉक्टरों में रोष का माहौल है। हम क्या मांगे? अपना हक मांगे। हम क्या मांगे? अपना हक मांगे। अब इस पूरे मामले में जिला प्रशासन डॉक्टरों को भरोसा दिला रहा है कि आत्महत्या केस में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से, हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ से, सबके यहाँ से निर्देश हैं। और इसके बीच में रात को सरकार ने संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता के बीच में कमेटी गठित की है और सरकार के क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इंक्वायरी कमेटी जिसकी भी गलती है उसकी गलती तय करके सख्त से सख्त सजा सरकार देगी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली में विजय चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, साथ ही देशव्यापी प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया और इस प्रदर्शन और इस धरने में खुद राहुल गांधी भी मौजूद हैं, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, वो तमाम सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, वो इस समय धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें आप बैनर देख सकते हैं कांग्रेस सांसदों के हाथ में और KC वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, साथ ही नजर आ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। और ये तमाम कांग्रेस के नेताओं का जो प्रदर्शन है वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है, महंगाई को लेकर है, महंगाई की मार को लेकर है। और इसमें जो पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कांग्रेस के समय में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे और अब सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके राज में पेट्रोल डीजल के दामों में कितना अंतर है। 1,000 रुपये की बढ़ोतरी सिलेंडर के दामों में हुई है, ये फिलहाल पोस्टर्स और बैनर लिए बैठे कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है फिलहाल विजय चौक से, जो जिसकी लाइव तस्वीरें आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया था कि देश भर में इस तरीके के प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिला मुख्यालयों पर इस तरीके के प्रदर्शन करेगी कांग्रेस ताकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचा जा सके, साथ ही महंगाई के मुद्दे को उठाया और उभारा जा सके। तो महंगाई की मार हर कोई महसूस कर रहा है लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हो रही है। हम चलेंगे जैनेन्द्र के पास जो इस प्रदर्शन को कवर भी कर रहे हैं, वहां मौजूद हैं। जैनेन्द्र,
कांग्रेस की ये रणनीति आखिर क्या है? क्या केवल ये विरोध प्रदर्शनों तक सीमित है या इस मामले को लेकर सरकार को घेरने के लिए कोई व्यापक रणनीति भी बनाई गई है महंगाई के मुद्दे को लेकर? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तीन चरणों में महंगाई मुक्त भारत अभियान का ऐलान किया है। आज उसका पहला चरण है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सुबह 11 बजे वो अपने घरों के बाहर थाली बजाएं, ड्रम बजाएं और एक मैसेज देने की कोशिश करें और सरकार को घेरने की कोशिश करें। अगुवाई की जा रही है दिल्ली में राहुल गांधी के द्वारा। तमाम पार्टी के सांसदों के साथ राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं संसद भवन के ठीक सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रणय जी कि तमाम सांसदों के हाथों में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उससे जुड़े हुए प्लेकार्ड हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद सरकार ने ये दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसे लूट करार दे रही है कांग्रेस। हम देख रहे हैं प्रदर्शन में कि रसोई गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल, इन तमाम चीजों के साथ संदेश सीधे तौर पर जनता तक पहुंचाने की कोशिश है कांग्रेस की कि कांग्रेस जो है वो बढ़ती महंगाई से परेशान जनता की आवाज को उठा रही है। और दिल्ली के अलावा पूरे देश में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसमें वो कितनी कामयाब होती है ये वक्त बताएगा। अभी पिछले विधानसभा चुनाव की पहले की बात करें तो महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ व्यापक जन जागरण अभियान चलाया गया था, लेकिन चुनाव नतीजों में देखने को मिला कि उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। अब नए सिरे से महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है। आज एक तरीके से उसकी शुरुआत है। इसका असर होगा या नहीं ये भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को लगता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो सरकार को घेर सकती है और एक बार फिर अपनी पैठ बना सकती है लोगों के बीच। जी, आप नजर बनाए रखें जनेंद्र, इस तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।